विदाई भइला के बाद हम आवतनी। और एक्चुअली क्या है, मैं जितना बोलना था बोल लिया भैया, ये बोलने तो देगा नहीं मुझे। तो आपके लाडले स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो आज आसमान की बुलंदी पे हैं, लेकिन इनको पता है कि जमीन इनका कहाँ पे है। प्रोड्यूसर का जो दर्द समझता है, जो 104 डिग्री बुखार में भी काम करने से एतराज नहीं करता, जो दिन और रात काम करने की क्षमता रखता है, सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के अगले दिन 7 बजे तक अगर डांस करना हो तो भी करता है, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा इंसान जो फिल्मों के लिए डेडिकेटेड है, संगीत में गाने बजाने में अपनी एक अलग उपलब्धि, एक अपना मुकाम पाने के बावजूद भी आज सिनेमा के प्रति इतना समर्पित है, ऐसे स्टार के लिए मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं। और थोड़ा बहुत बोल देगा, मैं भी बोलूंगा तो अगली फिल्म में मेरे रिकमेंड करेगा ना। और मैं चाहूंगा कि खेसारी लाल जी अब आप संजय पांडे जी और मटरू जी को बुलाएं। और हमारे इस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार संजय पांडे जी, मैं चाहूंगा इस फिल्म से जुड़े हुए संजय पांडे जी प्लीज स्टेज पे आए सर। और जैसे स्वर्ग लोक में नारद मुनि की मुनि का स्थान होता है, वैसा ही हमारे बीच में एक नारद मुनि का स्थान प्राप्त कर चुके मटरू जी हैं। मटरू जी प्लीज स्टेज पे आए। और एक और गणमान्य स्टार हमारे बीच में है अवधेश मिश्रा, मैं चाहूंगा कि अवधेश मिश्रा भी स्टेज पे आ जाए। बाबा आपके बिना ये अधूरा लग रहा सब, एक चांद चाहिए इन काली जुल्फों के बीच में। यस, ये निकला चांद। और इस फिल्म से जुड़े हुए संजय महानंद जी और संजय वर्मा जी, संजय द्वय, देखिए एक स्टेज 3 संजय को कैसे संभालेगा, 4 संजय हो गए। अरे भाई 4 संजय हो गए, अब सब संभाल लेंगे, 4 हो गया तो संभाल लेंगे। अब खेसारी लाल जी को मैं माइक दूंगा कि प्लीज आप तो